हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वेपटी या वेब आईटीआई इस टूल के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ये क्या होता है और आप इसका काली लिनक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, वेपटी एक वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल है। इसका भी वही काम है जो ऊपर के इन टूल का काम था। वैसे दोस्तों, इस टूल के बहुत सारे अल्टरनेटिव हमारे पास पहले से ही है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, फिर भी कभी कभी किसी केस में हमारे लिए ये वो इन्फॉर्मेशन लेके आ जाता है जो बाकी टूल नहीं ले पाते। तो आप इसको भी देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं जो लाइन से पढ़ा रहा हूँ उसके बीच में ये आ गया है, इसीलिए मैं इसको कवर कर ले रहा हूँ। तो चलिए, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसका वेब पेज हेल्प पेज खुल जाएगा। तो इसको यूज़ करने का जो भी तरीका है ये आपको आ जाएगा इसको पढ़ने से ही। अगर दोस्तों आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, तो आप इसका मैनुअल भी खोल सकते हैं। आप मैनुअल खोलने के लिए MAN लिखिए और इस टूल का नाम दे दीजिए। जैसे ही आप इसका नाम दे के इंटर मारेंगे तो इसको यूज़ करने का तरीका और जो जो भी इसके अंदर ऑप्शन होंगे ये सारे दिए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ये टूल क्या है और क्या क्या चीज़ें करता है, उसके कौन से जो टारगेट कौन कौन से कमांड क्या क्या काम करते हैं, नीचे सभी दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे नीचे धीरे धीरे सभी चीज़ें आ रही है। तो मैं इसको यहाँ से क्विट कर देता हूँ। अभी मैं इसका आपको एक केवल बेसिक स्कैन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो टूल है वेपटी, ये वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल है। ये वेबसाइट के अंदर जो भी वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह होती है, जो भी उसकी खामियाँ या कमजोरी या उसके सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इशू होता है, ये उसको फाइंड करना होता है। तो अगर मुझे इसका आपको प्रैक्टिकल दिखाना है तो एक मुझे वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने अपने सिस्टम में ये वेब डेव की ये वेबसाइट होस्ट करके रखी है। मैंने इसको पिछले भी कुछ वीडियोस में यूज़ किया था, इस वाले वीडियो में मैं इसका फिर से यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए, इसको मैं आपको इसकी कुछ वल्नरेबिलिटी फाइंड करके दिखाता हूँ। क्योंकि चलिए, अब मैं टर्मिनल पे आ जाता हूँ और ये इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इसका एक अगर आप बेसिक स्कैन परफॉर्म करना चाहते हैं, एक बेसिक से जिसके अंदर उसकी बेसिक चीज़ें हो, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए वेब ITI और जो भी आपका टारगेट होगा उसका यहाँ पे आपको URL देना होगा। तो URL देने के लिए आप -u का इस्तेमाल कीजिए और जो भी आपका टारगेट होगा उसका URL यहाँ पे टाइप कर दीजिए, नहीं तो वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे इसका URL यहाँ पे टाइप कर देता हूँ क्योंकि इसका URL ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इतना लिखने के बाद दोस्तों, जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो हमारी टारगेट वेबसाइट की जितने भी ये वल्नरेबिलिटीज़ होगी ये इसको स्कैन करके एक फाइल के रूप में सेव करके देगा। तो अभी ये देखिए, स्कैनिंग चल रही है। स्कैनिंग जब कंप्लीट होगी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो स्कैनिंग का रिपोर्ट होता है वो कहाँ पे होता है। तो अभी देखिए, चल रहा है। इसको होने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारी ये स्कैनिंग कंप्लीट हो गई। स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद जो इसका रिपोर्ट है वो हमारे इस फोल्डर में जाके सेव हो गया। तो आप यहाँ पे इसका पाथ देख लीजिए। आप जाएँ तो मैनुअली इसके अंदर खुद भी जा सकते हैं। यहाँ आप अपने देखिए दिया हुआ ना root.webt-generated-report। अगर आप अपने टर्मिनल से यहाँ होम स्क्रीन से जाना चाहें तो होम पे जाइए। होम पे जाने के बाद आप यहाँ पे रूट फोल्डर पे आ जाइए। रूट पे तो आइए, उसके बाद .webt यहीं पे आपको देखिए देखने को मिल जाएगा, ये .webt, उसके बाद रिपोर्ट जनरेटेड। तो यहाँ से भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस टूल ने हमारे टारगेट वेबसाइट में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे सर्च करके रखी है। नहीं तो दोस्तों, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, इसको आप अपने टर्मिनल से डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हर केस में हमें डायरेक्टरी में जाना पॉसिबल नहीं होता। तो हम इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए आप यहाँ लिखिए फायरफॉक्स, क्योंकि दोस्तों फायरफॉक्स में सभी टाइप की फाइल ओपन हो जाती है, इसीलिए हम फायरफॉक्स का यूज़ करते हैं। और जो भी ये पाथ था इसका, इसके पाथ को यहाँ से कॉपी कर दीजिए। तो मैं इसको यहाँ से पहले कर लेता हूँ, इसको यहाँ से इतना मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों इसका पाथ यहाँ पर आप आके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद दोस्तों जैसे आप इंटर मारेंगे तो ये वाली वेबसाइट का जो भी रिज़ल्ट होगा हमारे ये वेब ब्राउज़र में खुल जाएगा। वेब ब्राउज़र हर टाइप की फाइल को ओपन करने के लिए एलिजिबल होती है, इसीलिए हम इसको ज़्यादातर कोई भी फाइल होती है उसको हम अपने फायरफॉक्स में ओपन करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको CSS से रिलेटेड कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन आई है। तो वेबसाइट के CSS अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, ये हमारे वेबसाइट को डिज़ाइन देने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ होता है। तो आप इसके CSS को पढ़ करके उसके अंदर कुछ एडिट वगैरह कर सकते हैं वेबसाइट से। अगर इसके अंदर आपको कोई वल्नरेबल मिलेगी तो आप यहाँ से उसको
देख भी सकते हैं। उसके अलावा देखिए दोस्तों, इसका HTML पेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपके वेबसाइट के HTML कोड में कोई वल्नरबिलिटीज़ होगी तो यहाँ पे उसको वल्नरबिलिटीज़ दिख जाएगी। अभी मुझे नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा हाई पे सेटअप करके रखा है अपनी उस टारगेट वेबसाइट को, इसलिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर आपकी बहुत कमज़ोर वेबसाइट होगी तो ये इसके वल्नरबिलिटीज़ को काफ़ी इजीली डिटेक्ट कर लेगा और जिस भी टाइप की वल्नरबिलिटी होगी वो आपको सामने यहाँ पे दिख जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी वल्नरबिलिटीज़ को पकड़ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी आपकी टारगेट वेबसाइट है उसका लोगो मिल जाएगा .png फॉर्म में, और जो भी आपकी HTML की रिपोर्ट है यहाँ पे आप रिपोर्ट भी ओपन करके देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ है, कैसे वो काम करती हैं, उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा और नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती है, अगर मैं ज़्यादा आपको डिटेल में बता दूँगा तो मेरे ये वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, तो इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल यूट्यूब में नहीं दे पाता हूँ। तो दोस्तों, इसकी इस रिपोर्ट को आप अच्छे से पढ़िए, आपको सचमुच अगर जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस की वजह से ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन मैंने आपके लिए एक पोस्ट लिख करके रखा हुआ है वर्डपैड पे, इसका यूज़ करके आप काफ़ी सारी और जानकारी फाइन कर सकते हैं। रुकिए, मैं आपको, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको वेबटी टूल यूज़ करने का कंप्लीट यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है, तो इसका एक बार आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों, इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले देखिए, मैंने आपको ये बेसिक कमांड दिखाई दिया कि आपको सबसे पहले इस टूल का नाम लिखना पड़ेगा वेबटी, और -u डाल के जो भी आपका टारगेट URL होगा उसको जैसे ही दोस्तों एंटर मारेंगे तो उसकी फाइल एक रिपोर्ट में आके सेव हो जाती है। उस रिपोर्ट को पढ़ के आप टारगेट वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आप चाहते हैं कि जो भी आपकी फाइल है वो किसी स्पेशल जगह जाके आपके रूट फोल्डर में ही सेव हो जाए, तो ये आप इस कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग का सभी चीज़ तो इतना सेम रहेगा, आपको केवल -f ऑप्शन का यूज़ करना है। -f करेगा क्या कि आपकी जो भी फाइल होगी वो आपके रूट फोल्डर में सेव करके दे देगा। तो आपको जो भी फाइल होगा उसका नाम दे दीजिएगा, और उसका एक्सटेंशन देने के लिए .html, .json, .xml इन तीनों एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टारगेट वेबसाइट में किसी स्पेशल टाइप के फोल्डर की स्कैनिंग बंद कर दें या किसी स्पेशल URL को स्कैनिंग बंद कर दें, तो वो चीज़ें भी कर सकते हैं। ये चीज़ें होती है दोस्तों स्कोप के द्वारा, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, वेबटी टूल हम जो होता है हमारे टारगेट वेबसाइट पे जाता है और जो भी उसको लिंक फॉर फोल्डर मिलता है सभी को लगता है ये स्कैन कर ले। अगर आप चाहते हैं कि केवल स्पेशल टाइप के अगर आप फोल्डर को ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि पता होता है कि हमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे फोल्डर और लिंक किसी वेबसाइट में होते हैं जिनके अंदर कोई डाटा नहीं पड़ा होता, हम उसको स्कैन नहीं करना चाहते, तो इस ऑप्शन का यूज़ करके हम टारगेट फोल्डर को या URL को ब्लॉक कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल इतना कम यहाँ तक जितना मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इतना आपको टाइप कर देना है अपने टर्मिनल पर, और जो भी फोल्डर होगा फोल्डर का नाम आगे दे दीजिएगा, या तो जो भी आपका URL होगा यहाँ पर स्कोप वाले जगह, स्कोप वाले जगह उसको टाइप कर दीजिएगा, तो उस टाइप की लिंक और फोल्डर की स्कैनिंग ये हमारा टूल क्या कर देगा, बंद हो जाएगा। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि केवल स्पेशल फोल्डर या स्पेशल लिंक को ही हम स्कैनिंग करें वेबटी टूल का यूज़ करके, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेबसाइट के अंदर बहुत सारी डायरेक्टरीज, फाइल फोल्डर और लिंक्स वगैरह रहते हैं, तो अगर आप किसी स्पेशल फाइल फोल्डर या लिंक को ही अगर स्कैन करना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको इतना अपने टर्मिनल पर टाइप कर देना होगा, और उसके बाद जो भी आपकी टारगेट वेबसाइट होगी यहाँ प्रोफाइल वाले से उसको रिप्लेस कर देना होगा, चाहे आप यहाँ पर उसका URL दीजिए, फोल्डर नेम दीजिए, डायरेक्टरी नेम दीजिए, केवल ये उसी को ही स्कैन करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसके बारे में मैंने कुछ लिख करके भी रखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों, मॉड्यूल्स, अब दोस्तों ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं, तो दोस्तों वेबटी टूल हमें बहुत सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराता है, नहीं तो हम इसको खुद भी बना के क्रिएट वगैरह कर सकते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट में बहुत अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो अगर हमको किसी स्पेशल चीज़ को किसी वेबसाइट में टेस्ट करना है, स्कैनिंग करना है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम डायरेक्टली इस टूल की हेल्प से नहीं यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि किसी भी वेबसाइट में बहुत सारे प्लगइन्स और बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो अगर हमको केवल किसी स्पेशल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ स्कैन करना है तो हमें उसको मॉड्यूल्स प्रोवाइड करवाना पड़ते हैं। तो मॉड्यूल्स क्या होती है, एक तरीके की स्क्रिप्ट फाइल होती है, या आप स्क्रिप्ट फाइल बोलिए, पेलोड्स बोलिए,
या प्लगइन्स बोले, ये करती क्या है कि किसी वेबसाइट में किसी स्पेशल टास्क को स्कैन करने में काम आती है। तो आपको ये कैसे स्कैन करना है, अब दोस्तों किसी भी वेबसाइट में एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटीज़ होती है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी होती है, यानी बहुत सारी वेबसाइट में अलग अलग तरीके की वल्नरेबिलिटी होती है। तो अगर आप उसके एसक्यूएल से एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो आप ये वाला कमांड टाइप कर दीजिएगा। इसमें बस आपको कुछ चीज़ें रिप्लेस करनी होगी, जैसे टारगेट का यूआरएल, अगर आपको एसक्यूएल आपकी वेबसाइट में चेक करना है तो एसक्यूएल दे दीजिएगा। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग चेक करना है, यानी आपके वेबसाइट में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाली वल्नरेबिलिटी है नहीं है कि नहीं, तो ये आप सेकेंड वाला यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद LFI RFI, ये भी हमारे जो भी टारगेट वेबसाइट है उसकी वल्नरेबिलिटीज़ होती है, तो इन सब वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में आप डिटेल में पढ़िए, क्योंकि अगर आपको वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पता होगा तभी आप किसी वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है कुकीज़। तो दोस्तों कुकीज़ क्या होती है, कुकीज़ हम जो भी वेबसाइट पे एक्टिविटीज़ करते हैं या जो भी उसके अंदर लॉगिन करते हैं यूज़र नेम पासवर्ड, तो इसके अंदर उसका क्या रहता है, सेफ रहता है कुकीज़ के रूप में। तो अगर हमें किसी वेबसाइट की कुकीज़ वगैरह मिल जाती है जिसमें उस यूज़र की एक्टिविटी या उसके क्रेडेंशियल वगैरह हो, तो हम कुकीज़ को भी अपने टारगेट वेबसाइट के अंदर प्रोवाइड करवा के उसकी वेबसाइट का जल्दी से जल्दी एक्सेस ले सकते हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, आपने जब भी देखा होगा कि अगर आप अभी किसी भी ऐप के अंदर लॉगिन करते हैं तो ऑटोमेटिक ही वहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाता है। तो आखिर ऐसा होता कैसे है कि जब हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालते भी नहीं है फिर भी हमें ऑटोमेटिक ही वहाँ पे पासवर्ड और यूज़र नेम शो हो जाता है, ऐसा होता है कुकीज़ की वजह से। क्योंकि जो भी हमारी ईमेल आईडी होती है वो करती क्या है कि हमारे जो भी एक्टिविटीज़ होती है और जो भी हमारे लॉगिन के क्रेडेंशियल रहती है उसको कुकीज़ के रूप में सेव करके रख लेती है, और जब भी हम किसी ऐप के अंदर जाते हैं तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड पहले ही से ही वहाँ फिट हो जाते हैं। तो इसी तरह दोस्तों अगर आपके पास किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड कुकीज़ वगैरह है तो आप काफ़ी ईजिली से उस टारगेट वेबसाइट के अंदर यूज़र एक्सेस ले सकते हैं। तो इसको भी प्रोवाइड करवाने, क्योंकि कुकीज़ एक फ़ाइल के रूप में रहती है, उसका फाइल का अलग अलग फॉर्मेट अलग अलग एक्सटेंशन होता है, तो आपको कुछ करना नहीं है, इतना आपको कमांड आपको टाइप कर देना होगा और जो भी फाइल होगी उसका यहाँ पे आगे पाथ दे दीजिएगा। अगर रूट फोल्डर में आपकी फ़ाइल होगी तो उसका केवल नाम दे देंगे, तो आपकी कुकीज़ का यूज़ करके टारगेट वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। लो दोस्तों लास्ट है हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड। अब दोस्तों अभी जो मैंने वेबसाइट यूज़ की है वो तो एकदम बेकार वेबसाइट है, एकदम टोटली आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर सिक्योरिटी के नाम पर कुछ है नहीं, काफ़ी इजीली एक्सेस हो जा रही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है, सिक्योर वेबसाइट होती है, जिसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। तो वेबटी टूल का यूज़ करके आप यूज़र नेम और पासवर्ड भी दे सकते हैं, सिंपली आपको इतना टाइप करना ही होगा, उसके बाद आपके टारगेट का जो भी यूज़र नेम होगा उसका यूज़र नेम दे दीजिएगा और कॉलम डाल के पासवर्ड दे दीजिएगा। आपको ये डबल इन्वर्टेड कॉमा और ये जो ब्रैकेट तिकोना वाला लिखा हुआ ये नहीं देना है, आपको इतना ऑथर तक लिखना है। अब जो भी आपके टारगेट वेबसाइट का यूज़र नेम होगा यूज़र नेम लिखिए, जैसे मान लीजिए एडमिन हो, जो भी आपके टारगेट वेबसाइट का या वेब एप्लीकेशन का यूज़र नेम होगा यूज़र नेम दीजिएगा, कॉलम डाल के पासवर्ड दे दीजिएगा, आप टारगेट वेबसाइट को एक्सेस कर लेंगे और उसकी फ़ाइल आपके किसी फोल्डर में जाके सेफ हो जाएगी, जो भी आप पाथ देंगे उसका, नहीं तो रूट डायरेक्टरी में सेफ हो जाएगी, नहीं तो डिफ़ॉल्ट रूप से जो भी उसका पाथ सेट होता है वहाँ पे जाके आपकी फाइल सेफ हो जाएगी। तो इसी तरह दोस्तों हम वेबटी टूल का यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको सभी चीज़ों के बारे में बता दिया। अगर दोस्तों फिर भी आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि बिगनर लेवल के लोगों को स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इन सब वीडियोज़ को समझने के लिए हमें बहुत सारी पहले से ही नॉलेज चाहिए होती है, या डायरेक्टली वीडियोज़ देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, मैं समझ सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पर पहली बार आए इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।